जिसके वजह से आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है, और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म धर्म है, और शायद जो संस्कृत का सनातन शब्द है अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम और सनातन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका है। यह संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया, और यही संदेश, परमात्मा का भेजा हुआ संदेश, स्वयं हमारे मोहम्मद साहब ने इस पैगाम को हमको दिया, तो हम भेदभाव क्यों करें। यहां पर भारत का मुसलमान, एक बात बिल्कुल मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपसे, अगर भारत का मुसलमान सो गया तो भारत सो जाएगा। इसलिए भारत को जगाना है तो मुसलमानों को जागते रहना पड़ेगा। भारत जाग जाएगा, पूरी दुनिया जाग जाएगी। यह भी मैं जानता हूं कि भारत के सच्चे हिंदुओं को, जो सच्चे सनातन धर्मी हैं, उनको मुसलमानों से प्रेम चाहिए, उनको मुसलमानों से भेद नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा हिंदू है, सच्चा हिंदू अपने को कहता है, तो पहले तो सनातन धर्म को मानता हो। अगर हिंदू की परिभाषा सनातन धर्म से हट करके कोई परिभाषा है, तो ऐसे हिंदू धर्म को मैं तिलांजलि देता हूं। हिंदू धर्म कुछ नहीं है। फिर हिंदू धर्म वही है जो वेद को माने, पुराण को माने और सनातन को माने। सनातन धर्म धर्म है, और उस धर्म को न मान के अपनी एक नई व्यवस्था चलाना शुरू कर दे, इसका मतलब यह है। और नाम भगवान का ले, एक बात और बता देता हूं, भगवान कोई आदमी की तरह नहीं है कि रोज रोज नियम बदलेगा। रोज रोज नियम बदलना आदमियों का काम है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साहब, मुझे दुख होता है कभी कभी, यद्यपि लोग ये ना समझ बैठे कि मैं उनका विरोधी हूं, विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनको खुद सनातन धर्म की परिभाषा नहीं आती है। विदेश में जाकर के हिंदू धर्म की गलत परिभाषा कर दिए, और हमको सबको ये दुख हुआ कि किस स्कूल में जाके पढ़े हैं। धर्म के बारे में बिना पढ़े हुए धर्म के बारे में बोलना गलत है। पहले धर्म को जान लेना चाहिए, फिर धर्म के बारे में बोलोगे तो प्रेम फैलेगा, शांति फैलेगी, इंसानियत सारे चारों तरफ, चारों दिशाओं में इंसानियत का प्रकाश होगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर शंकराचार्य लोग सब मिलकर के इस विचार में स्थित हो जाएं कि सनातन धर्म वो धर्म है जो इस्लाम से अलग नहीं, इस्लाम वो धर्म है जो सनातन से अलग नहीं, और जो भेद पैदा होता है या राजनीति में होता है, साम दाम दंड भेद, ये राजनीति में है, धर्म में नहीं है। धर्म में है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमेव द्वितीयं ब्रह्म, ला इल्लाह इल्लल्लाह, ये धर्म कहता है, ये धर्म की बात है। इसलिए हम भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। परमात्मा एक है, और परमात्मा बार बार नियम नहीं बदलता। कि धरती पर इंसान बदलते जा रहे हैं तो परमात्मा अपना नियम बदलता चला जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, जब से शुरुआत हुई होगी और जब तक ये दुनिया रहेगी, ईश्वर का सिद्धांत एक था, एक है, एक ही रहेगा। मानने वाले आपस में भेद पैदा करें तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। दोष तो उन लोगों का है जो लोग भेद पैदा करके प्रतिष्ठा पहुंचाते हैं। खास करके इतना जान लीजिए, धर्म भेद को मिटाता है और राजनीति भेद को बढ़ाती है। राजनीति का स्तर केवल राष्ट्र की व्यवस्था तक है, और धर्म पूरे विश्व के लिए है। राजनीति से केवल आप देश का हित कर सकते हैं, लेकिन अगर विश्व का हित करना चाहते हैं तो धर्म की आवश्यकता है। और वो धर्म कुरान में अस्पष्ट रूप से अच्छी तरह से समझाया गया है, बताया गया है। हमें हिंदी की कुरान भी प्राप्त है, उपलब्ध है, आज अंग्रेजी की भी मिल गई है। और हम तो चाहते हैं, हाँ, कुरान शरीफ सारी दुनिया में अगर इस ग्रंथ को पहुंचाया जाए, और पहुंचाना चाहिए। मैं तो मुसलमानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दें, आपके पड़ोस में जिस भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति रहता हो, जिस भी भाषा को, कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को उसको उसकी भाषा में पहुंचाइए। और मेरी समझ में सारी दुनिया में एक कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में
सारी दुनिया में शांति होगी, सारी दुनिया में अमन होगा, और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रेमियों के बीच में शंकराचार्य को पहुंचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, संकोच नहीं होगा। आप लोग भी निडर हो जाइए, आप लोग भी संकोच छोड़िए। हम जानते हैं कभी कभी संकोच में, कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं उनकी उल्टी सीधी योजनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं, आए हैं, हम आपको गले से लगा रहे हैं, लगाते हैं, दिल भी मिलाएंगे, गला भी मिलाएंगे, और जरूरत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने की जरूरत पड़ जाए तो इस्लाम क्या के लिए शंकराचार्य आपका साथ देगा। क्योंकि शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम धोखा नहीं है, शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम बर्बादी का